अस्सलाम वालेकुम, आप न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहते हैं आईटी और ज़राअत के शोबों में चीन से मदद चाहते हैं। पाकिस्तान आइंदा 2 साल में तरक्की के अहदाफ हासिल कर लेगा। सीपैक पाकिस्तान के लिए नेमत है। मंसूबे में मजीद मुल्क शामिल होंगे। पाक चीन दोस्ती तरक्की की पटरी पर ML1 मुआहिदा तय पा गया। पाक चीन वज़ीरे आज़म ने दस्तखत किए। वज़ीरे रेलवे शेख रशीद कहते हैं मंसूबे के तहत पिशावर से कराची तक डबल ट्रैक बनाया जाएगा। नए ट्रैक पर ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर फी घंटा होगी। हुकूमत का नौजवानों के लिए खसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मंगल को वफाकी काबीना हतमी मंजूरी देगी। नौजवानों को कारोबार के लिए आसान कर्जे मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का विफाक से फंड्स न मिलने का शिकवा। खुर्शीद शाह कहते हैं गंदम खरीदारी के लिए पैसे नहीं, सिंध में तरक्याती मंसूबे रुक गए। फंड्स न मिले तो तनख्वाहें देना भी मुश्किल हो जाएगा। शोहरत हासिल करने की कोशिश या फिर कुछ और। तहरीक इंसाफ के MPA फजल इलाही ने ट्रैफिक हादसे के जख्मी को खुद इंजेक्शन लगा दिया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। खानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 4 नौजवान जा बहक। मरने वाले 4 नौजवानों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। रुझान में मोटरसाइकिल के तनाजे पर 6 अफराद के कत्ल का मामला। 14 घंटे एहतजाज के बाद पुलिस और मुजाहरीन में मुजाकरात कामयाब। इंडस हाईवे खुल गई। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। डहरकी की सब्जी मंडी मैदान जंग बन गई। रिक्शे को रास्ता न देने पर झगड़ा। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर डंडों और ईंटों की बरसात कर दी। 6 अफराद जख्मी। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया। MQM के गिरफ्तार टारगेट किलर रिजवान कुरैशी ने 40 रुकनी टीम के नाम उगल दिए। GIT रिपोर्ट के मुताबिक रिजवान कुरैशी लांधी, मलीर और कोरंगी के डेथ स्क्वाड का इंचार्ज रहा। कयादत की हिदायत पर अली इंटरप्राइजेज से 20 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया। फैसलाबाद चक झुमरा में डकैती ड्रामे का ड्रॉप सीन। मकतूला के शौहर ने शक की बिना पर बीवी और मुलजिम को कत्ल किया और वारदात को डकैती का रंग दे दिया। मकतूला आसिमा का शौहर गिरफ्तार। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की काबुल में अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकात। ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान अमन अमल पर पेशरफ्त से मुतालिक आगाह किया। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में यहूदी इबादतगाह पर फायरिंग। एक शख्स हलाक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। वाशिंगटन में क्रेन गिरने से 4 अफराद मारे गए। ये थी आपकी हेडलाइंस। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज़।